डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज खबर का असर, पोकरण के फरसून रोड पर चल रहे सड़क निर्माण के कार्य में घटिया क्वालिटी के माल का प्रयोग, पुनः सड़क निर्माण का कार्य शुरू। पूज्य धन सिंह की 99वीं जयंती, जन्मस्थली बैरीसयाल में भव्य सभा का आयोजन, हजारों की संख्या में लोगों ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। 27 को पीएम मोदी करेंगे पेपर पर चर्चा, भाजपा ने की कार्यक्रम से जुड़ने की अपील। अतिरिक्त ऑफिस कानून गो, 5000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और मतदाता दिवस में छात्र छात्राओं को दिलाई शपथ। जैसर क्लब द्वारा महिला प्रसूति गृह, इमरजेंसी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर व मंद बुद्धि बच्चों को किए कंबल वितरित। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय देवा में भामाशाह ने स्कूल के बच्चों को बांटे गर्म वस्त्र, गर्म वस्त्र पाकर बच्चों के खिले चेहरे। केस फाउंडेशन संस्था ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मण सर की सभी छात्राओं को 150 जोड़ी स्कूल शूज व जुराब निःशुल्क वितरित किए। मंडजरी बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में लीगल लिटरेसी क्लब के तत्वावधान में मतदाता दिवस। एसीबी की पहल, जागरूकता संदेश द्वारा भ्रष्टाचार के प्रति आमजन को किया जा रहा जागरूक। ये थी अब तक की खास खबरें और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज। मैं हूं योगिता सोनी और खबरें विस्तार से। डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज खबर का असर, पोकरण के फरसून रोड पर चल रहे सड़क निर्माण के कार्य में घटिया क्वालिटी के माल का प्रयोग, पुनः सड़क निर्माण का कार्य शुरू। पोकरण के फलसुन रोड पर चल रहे रोड निर्माण कार्य में घटिया क्वालिटी के माल का प्रयोग लेने को लेकर वार्ड नंबर 20 के पार्षद प्रतिनिधि दीपक गहलोत व राजपूत कर्णी सेना के जिला अध्यक्ष सांग सिंह घड़ी द्वारा विरोध किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, जिस खबर को डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया। खबर की सार्थकता को देखकर पुलिस प्रशासन व निर्माण विभाग के अधिकारी हरकत में आए और मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे दीपक गहलोत सांग सिंह के साथ कई युवा व वार्डवासियों की मांगों को लेकर पुनः सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज जनता की आवाज इसी तरह उठाने में सदैव अग्रणी भूमिका निभाने में तत्पर है। सही, सटीक व निष्पक्ष खबरें डेजर्ट स्टॉर्म का ध्येय है। तनसिंह की 99वीं जयंती, जन्मस्थली बैरीसयाल में भव्य सभा का आयोजन, हजारों की संख्या में लोगों ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तनसिंह जी की 99वीं जयंती पर जन्मस्थल गांव बैरीसयाल में भव्य सभा का आयोजन किया गया। सभा में हजारों की संख्या में गणमान्य की उपस्थिति में जयंती मनाई गई। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी स्वयंसेवकों ने भी सभा में हिस्सा लिया और तनसिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 27 को पीएम मोदी करेंगे पेपर पर चर्चा, भाजपा ने की कार्यक्रम से जुड़ने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुचर्चित कार्यक्रम पेपर पर चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण नई दिल्ली से 27 जनवरी को किया जाएगा। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा ने जिले के सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य को टीवी के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रम को दिखाने की अपील की है ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अतिरिक्त ऑफिस कानून गो, 5000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, आवास और अन्य ठिकानों की तलाशी जारी। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर सवाई माधोपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए ओम प्रकाश वर्मा अतिरिक्त ऑफिस कानून गो तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को परिवादी से 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की सवाई माधोपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि राजस्व न्यायालय के फैसले के अनुसरण में रास्ते को नक्शा सीट में दर्ज करने की एवज में ओम प्रकाश वर्मा अतिरिक्त ऑफिस कानून को तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर द्वारा 5000 रुपए रिश्वत की राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी भरतपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत ने के निर्देशन में एसीबी की सवाई माधोपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया। आज पुलिस निरीक्षक विवेक सोनी द्वारा माय टीम ट्रैप कार्यवाही करते हुए ओम प्रकाश वर्मा पुत्र रघुनाथ वर्मा निवासी चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर हाल अतिरिक्त ऑफिस कानून गो तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर परिवादी से 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस व मतदाता दिवस की छात्र छात्राओं को दिलाई गई शपथ। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आशा यच ग्राम पंचायत बाड़ोड़ा गांव के प्रधानाध्यापक जसवंत सिंह भाटी, भवर सिंह की ढाणी सरगा ने
24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस व 25 जनवरी को मतदाता दिवस की छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई। प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आषाढ़ बडोचा गांव जसवंत सिंह भाटी ने बताया कि 24 जनवरी को विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बालक बालिकाओं ने बाल विवाह निषेध की शपथ ग्रहण की और आज दिनांक 25 जनवरी को विद्यालय में मतदाता दिवस के लोकतांत्रिक पर्व के अवसर पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को बनाए रखते हुए स्वतंत्र निष्पक्ष निर्भीकता के साथ धर्म जाति समुदाय भाषा और प्रलोभन रहित मताधिकार की शपथ लेते हुए बालक बालिकाओं ने उत्साह से भाग लिया। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय देवा में भामाशाह ने स्कूल के बच्चों को बांटे गर्म वस्त्र पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। मोहनगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत देवा की राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय देवा में भामाशाह मीना देवी महचा व गोपूराम के सानिध्य में गरीब बच्चों को सर्दी से बचाव के लिए गर्म वस्त्र बांटे गए। भामाशाह मीना देवी ने बताया कि पिछले 10-15 दिनों से सर्दी में लगातार इजाफा हो रहा है। सर्दी को देखते हुए गरीब बच्चों को गर्म वस्त्र बांटे गए हैं। गर्म वस्त्र पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सचिन कुमार शर्मा ने बताया कि समाज सेवी बजरंगा राम पवार द्वारा स्वेटर बच्चों को दिए गए, जिसमें प्रियंका मीणा हरीश कुमार आदि शामिल रहे। प्रधानाचार्य शर्मा ने भामाशाह को धन्यवाद दिया और आभार जताया। जैसल क्लब द्वारा महिला प्रसूति गृह इमरजेंसी वार्ड व ट्रॉमा सेंटर में व मनबुद्धि बच्चों को किए गए कंबल वितरित। जैसल क्लब जैसलमेर के संस्थापक स्वर्गीय सीएम धूत की छठी पुण्यतिथि के अवसर पर जैसल क्लब द्वारा स्थानीय जवाहर चिकित्सालय में महिला प्रसूति गृह में इमरजेंसी वार्ड और ट्रॉमा सेंटर में व मंदबुद्धि बच्चों को संस्था जाकर कंबल वितरित किए गए। इस दौरान क्लब के रोहित धूत, क्लब सदस्य राजा गोपा भी साथ रहे। KS फाउंडेशन संस्थान ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मण सर की सभी छात्राओं को 150 जोड़ी स्कूल शूज व जुराब निःशुल्क वितरित किए। KS फाउंडेशन संस्थान द्वारा स्कूल में बच्चों की गणवेश में समानता लाने हेतु व सर्दी व गर्मी से निजात के लिए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मण सर में अध्ययनरत सभी छात्राओं को निःशुल्क शूज व जुराब वितरित किए गए। KS फाउंडेशन संस्थान के अध्यक्ष अगर सिंह डांगरे ने बताया कि राजस्थान सरकार ने कुछ समय पहले ही सभी बच्चों को निःशुल्क गणवेश हेतु कपड़ा दिया था, परंतु यूनिफॉर्म के साथ जूते व जुराब नहीं दिए थे, जिसकी वजह से बच्चों में गणवेश की असमानता हो रही थी। वह लक्ष्मण सर स्कूल में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे खेती करने वाले कृषकों के यहाँ से आते हैं, जो कि जरूरत के अनुसार बच्चों की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते एवं अपने पाले की वजह से कृषकों को भी भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सभी छात्र छात्राओं की गणवेश में असमानता लाने व सर्दी से बचाव हेतु राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मण सर के प्रधानाध्यापक नरेंद्र सिंह ने KS फाउंडेशन के अध्यक्ष अगर सिंह डांगरी से जूते व जुराब उपलब्ध कराने का आग्रह किया, जिसको KS फाउंडेशन संस्थान के मनु माथुर जयपुर, इंदु नागर व रीना गुप्ता ने जयपुर के सहयोग से 150 से अधिक स्कूली जूते व जुराब स्कूल प्रधानाध्यापक को उपलब्ध करवाए। मॉन्टेसरी बालनिकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में लीगल लिटरेसी क्लब के तत्वावधान में मतदाता दिवस विद्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसके तहत प्रार्थना सभा में विद्यालय में स्थापित लीगल लिटरेसी क्लब के प्रभारी व्याख्याता श्री गुलाब सिंह भाटी द्वारा समस्त शिक्षकगणों व विद्यार्थियों को मतदान की शपथ दिलाई गई और बताया गया कि हमें लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखते हुए निर्भीक होकर स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। वह धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा और अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ताकि भारत के लोकतंत्र व निर्वाचन की गरिमा अक्षुण बनी रह सके। साथ ही मुद्रित मत पत्रों से लेकर वर्तमान समय में ईवीएम द्वारा मतदान प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी विद्यार्थियों को दी गई। साथ ही यह बताया गया कि हम भाग्यशाली नागरिक हैं, जिनका जन्म इस लोकतंत्र की पावन धरा भारत भूमि पर हुआ है, जहां संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के समस्त नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया गया है। अतः हम सबका कर्तव्य है कि जब भी चुनाव हो, हमें सारे कार्य छोड़कर अनिवार्य रूप से मतदान करना चाहिए। वह एक स्वच्छ सेवाभावी व लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाली सरकार का चयन करना चाहिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान सुरेश कुमार कल्ला द्वारा भी मतदान दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण व सार गर्भित जानकारी प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
जैसलमेर में विद्यालयों में हर्षोल्लास से मनाया गया बसंत पंचमी का पर्व। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुलिस लाइन जैसलमेर में बसंत पंचमी का हर्षोल्लास से पर्व मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम मां सरस्वती को माल्यार्पण कर पूजा अर्चना प्रधानाचार्य कृष्णा खत्री, गोवर्धन दास, दिनेश विश्नोई व माधुरी चतुर्वेदी द्वारा की गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रधानाचार्य ने बसंत पंचमी मनाने के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी दी। उत्सव प्रभारी कुसुमलता व्यास ने बसंत पंचमी मनाने के कारण के बारे में बताया और दिनेश विश्नोई वर्ष अध्यापक ने छात्र छात्राओं को अध्ययन उमंग और उत्साह से करने की बात कही। विद्यालय के छात्र छात्राएं पायल, अनु, स्मृति, लक्ष्य, वैष्णव आदि ने कविता व भाषण प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन भीम सिंह व राहुल छंगानी ने किया। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ मंजू, शिल्पा ओझा, स्वाति बिस्सा, विकास मीणा, निर्मल कंवर, चंचल, खुशबू, मीना, देविका आदि ने सहयोग किया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य ने मतदाता दिवस की जानकारी दी व सभी छात्र छात्राओं को मतदान करने की शपथ दिलाई। एसीबी की पहल जागरूकता संदेश द्वारा भ्रष्टाचार के प्रति आमजन को किया जा रहा है जागरूक। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को बढ़ावा देने की मंशा के अनुरूप तथा आमजन को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न मोबाइल नेटवर्क के उपभोक्ताओं को जागरूकता संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि प्रदेश भर में संचालित विभिन्न मोबाइल नेटवर्क प्लेटफॉर्म के तत्वाधान में आमजन को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एसीबी द्वारा तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा प्रदेशवासियों को SMS प्रसारित कर जागरूक किया जा रहा है। प्रियदर्शी ने बताया कि जागरूकता संदेश में आमजन से लोक सेवाओं द्वारा रिश्वत मांगने व भ्रष्ट आचरण करने पर एसीबी के टोल फ्री नंबर 1064 व व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9413502834 पर संपर्क करने की अपील की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस जागरूकता पहल के प्रतिदिन अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। आमजन में भ्रष्टाचार की एसीबी से शिकायत करने के लिए सुलभ, सुगम और 24 घंटे 7 दिन संपर्क सुविधा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।